जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये शेक है तो चॉकलेट शेक, लेकिन इसको कह सकते हैं कि मिक्सचर शेक, यानी सारे चॉकलेट एक ही में डालकर और फिर उसको पूरे को मिक्स कर दिया, तो ये आप बोल सकते हैं। पर कुछ भी कहिए, ये भी टेस्ट में बेस्ट है। मैंने पहली बार पिया और मुझे इतना टेस्टी लगा कि मुझे और दिल करने लगा, बल्कि चॉकलेट उतना मैं पसंद नहीं करती। देखिए अब इसमें किटकैट भी गया है, चॉकलेट भी गया है, ओरियो भी गया है, और तो और कुछ क्या कहना, सारे चीज़ तो चले ही गए, तो अच्छा तो होना ही होना है। होम मेकर पे आपका स्वागत है। चॉकलेट शेक बनाने के लिए बने रहें SJ के साथ, तो नज़रें टिका के रखिए, जाइएगा कहीं नहीं, नहीं तो शेक ये ऐसा शेक बनाना मिस कर देंगे आप, फिर कैसे बनता है पूछते रहेंगे। तो चले देख लें कि कैसे बन रहा है। ये देखिए, ये चॉकलेट सिरप है और ये 20 वाला किटकैट है और 10-10 का दो ओरियो है और एक डेरी मिल्क है, ये भी 10 का, और कुछ आइस है और 1 किलो दूध है, जिसमें 2 कप माइनस कर दीजिए, वो भी मैं बता देती हूँ, कॉफ़ी बनाने में खर्चा हो गया। अब पहले डिज़ाइन को डेकोरेट कर लेंगे, आप जैसा चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। मेरा गिलास कुछ वो उठे उठे से अंदर में है, तो ये देखिए डिज़ाइन कैसा बनता है, अब देख लीजिए आप, आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पर ना, मैं दूध में अगर मैं अलग अलग चाहूँ बनाना, जैसे ओरियो का, पहले यहाँ पे देख लीजिए चीनी मेरा 7 चम्मच गया, चमची गया है, और इसमें जो है दूध में मैंने जो चॉकलेट दिया है, अब सब लड़ाई होती, कुछ लोग बोलते नहीं मुझे ओरियो चाहिए, अगर सबको ओरियो चाहिए तो फिर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सबको एक साथ में मिक्स कर दिया कि लो अब लड़ाई नहीं होगी। मेरे 3 बच्चे हैं, अब वो बोलते कि नहीं हमको ये डेरी मिल्क वाला चाहिए, या फिर किसी ने बोल दिया नहीं मुझे किटी कैट वाला, तीनों को चाहिए, तो फिर तो वो मुश्किल था। तो अब तीनों को एक साथ में मिला दिया, अब लो किसको ही मुश्किल नहीं, अब लड़ाई भी किसी की नहीं होगी, अब सारे आराम से पिएंगे। ये देखिए यहाँ पर मेरा पिघल गया चॉकलेट, ये 5-star जो डेरी मिल्क है, सॉरी डेरी मिल्क, लेकिन कुछ भी कहिए बहुत टेस्टी बना सब मिलाकर, मेरा तो और मन किया कि और बनाए, उसके बाद फिर रोज़ बनाया। देखिए कुछ मैं इतना जल्दी था कि झटका मार दिया मेरा। बच्चों को बहुत पसंद आया, वो और डिमांड कर रहे थे मम्मी और है तो दे। फिर मैंने वैसे भी नेक्स्ट रोज़ बनाया, इतना टेस्टी हुआ कि पूछिए मत। मैंने पहली बार बनाया था इसे और बहुत टेस्टी। अब इसे गिलास में ढाल लेंगे।
और फिर ऊपर से आप डेकोरेट कर सकते हैं। मेरा मैंने मलाई के साथ ही में जो मलाई था उसके साथ ही में वो मिक्स कर दिया, मलाई भी मैंने नहीं हटाया। और मेरा वो मैंने कल ही ये दूध ना ठंडा कर लिया था, कल ही से ये ठंडा था, मैंने फ्रिज से निकाल कर ही सीधे ये शेक बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए डेकोरेट कर लीजिए, इस पे ओरियो कुछ गया, कुछ किटकैट इसमें दिया, और फिर सिर्फ से डेकोरेट कर दीजिए। यहाँ पर मैंने गोल बनाया है और यहाँ पर थोड़ा ज़िगज़ैग कर दिया। सबके डिज़ाइन अलग अलग हैं, कोई एक जैसा नहीं है। इसमें अमीबा देखिए मैंने बना दिया, इसमें थोड़ा फूल बना दिया तिरछा करके, बस।